यार सबसे खतरनाक यही वाला पहाड़ी देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं भाई, ये देख सकते हैं। अब लोग आ रहे हैं और समझिए 12 किलोमीटर के बाद हम लोग यहाँ पे यहाँ पर से देखिए अब इधर से बाकी ये देख सकते हैं अभी भी पानी है। ये रहा सामने, अगर आपको नहीं देख तो आपको अभी दिखाते हैं बैक कैमरे से। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम आए हैं देख सकते हैं कि ये है पनियारी घाट, और फिलहाल अभी हम जा रहे हैं गुट्टा धाम। तो ये देख सकते हैं हमारे पीछे एक बड़ा सा पहाड़ी है और इसी पर हम लोग जाएंगे। अगर पहले वाला आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आ रहा होगा आई बटन में, वहाँ पर से क्लिक करके देख सकते हैं। तो आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ पनियारी घाट का। अभी हम है पुल पर देख सकते हैं। फिलहाल ये देख सकते हैं कल है बसंत पंचमी और आज हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो देख सकते हैं पनियारी घाट और जस्ट इसके बगल में ये देख सकते हैं पहाड़, और इसी पर हम लोग का चढ़ना है। तो चलिए और चलते हैं और आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं देख सकते हैं, अभी यहाँ पर खाना वाना खा के फिर चढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग खाना वाना खा लिए। गाइज देख सकते हैं दोनों साइड है मार्केट यानी बाजार, छोटा सा हाट लगा हुआ है और हम लोग चढ़ाई ले चुके हैं देख सकते हैं। यहाँ से तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं भाई, ये देख सकते हैं अभी चढ़ाई बहुत ऊपर है और इस साइड से हम लोग आ रहे हैं। और ये देखिए कुछ नीचे का बहुत और ये देखिए पहाड़ और थोड़ा थोड़ा हाथ चल रहा है। सबसे खतरनाक यही वाला पहाड़ी देख सकते हैं, ये बहुत जाम लगा है यहाँ पर। जय हो। तो देखिए पूरा गर्मी और नीचे से देखिए कुछ लोग आ रहे हैं। चलिए आप लोग का बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ। तो सबसे डेंजर देख सकते हैं हमारे साथ ये मेरे दोस्त इस साइड, और भाई आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो भाई लाइक कर देना। देख सकते हैं कितना मेहनत से हम लोग जा रहे हैं ऊपर। तो चलिए बने रहे वीडियो में, चलते हैं आगे। तो काफ़ी मेहनत के बाद देख सकते हैं हम लोग जल्दी पहाड़ पर पहुंचने वाले हैं। तो ये देखिए कुछ लोग उधर से आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए फिर पहाड़ पर, तो बस थोड़ा सा दूर है पहाड़ पर, चल के फिर मिलते हैं। देख सकते हैं काफ़ी मुश्किल के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं पहाड़ी के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले एक मंदिर मिलेगा,
तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी खाने पीने का सामान मिल सकता है, यहाँ पर दुकान है और पानी वानी भी मिल सकता है, अगर नहीं लिए तो यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं थोड़ा सा आगे, और यहाँ पर इसमें एक बाबा है जो यहाँ पर बैठे हैं, और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एक पहाड़ी सा, तो इतना सुंदर जगह पर और बहुत ही अच्छा जगह है, देख सकते हैं एकदम जैसे गुफा जैसा। और यहाँ पर नाम बहुत लोग लिख देते, वैसा बहुत बुरा बहुत गलत बात है यार, नाम नहीं लिखना चाहिए पहाड़ पर, क्योंकि ये दर्द। देख सकते हैं ये भाई बंदर के साथ फोटो ले रहे हैं, बहुत सारा भीड़ है। और यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है देख सकते हैं, और साइड साइड में देख सकते हैं कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं, तो बहुत सारा भीड़ है क्योंकि कल बसंत पंचमी है, तो इसीलिए आज बहुत सारा भीड़ लग रहा है। तो चलिए भाई हम भी इसी भीड़ में चल रहे हैं, और भाई का चैनल अभी तक नए हो और सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो क्या कर रहे हैं भाई, अभी जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल बटन है दबा करके, और घंटी को भी प्रेस कर देना। तो काफ़ी चलते चलते हम लोग थक चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए ये है बैग और इसमें से अभी खा रहे हैं संतरा, तो आप लोग टाइम लैप्स देखिए। इस तरह का बनाया गया है, अगर वो पहले वाला वीडियो में आप लोग को बताए होंगे तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि इस तरह का लोग सरिया कर पत्थर इसलिए रख देते हैं क्योंकि ऐसा मनाया था कि जो जितना ये पत्थर पर पत्थर रखेगा उतना ही उसका मतलब कि मकान होगा। और बाकी देख सकते हैं इधर से लोग बहुत सारा लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी इंजॉय कीजिए और देखते रहिए। बाकी ये देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग अभी कश्मीर में हैं, ऐसा ही कुछ नज़ारा है। तो इस पहाड़ी पर भी आइसक्रीम मिल रहा है देख सकते हैं, तो हम लोग 5 रुपये का एक दे रहे हैं, तो हम लोग एक एक लेकर खा रहे हैं। काफ़ी मुश्किल के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग पहुँचे हैं, बहुत समय तक कोई भी घर नहीं दिखाई दे रहा था, और वहाँ पर देख सकते हैं एक पानी टैंक लगाया हुआ है, और अभी बहुत आगे हम लोग का चलना है बट बहुत सारा अभी धूप है, और चलते चलते हम लोग अभी थक चुके हैं और बहुत लोग जा रहे हैं देख सकते हैं। चलिए फिर थोड़ा सा और आगे जा कर आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह नज़ारा है। तो भाई देख सकते हैं काफ़ी मेहनत के बाद हम लोग आ गए हैं पहाड़ी के बीचों बीच, और यहाँ पर बहुत से लोग आराम कर रहे हैं और यहाँ पर खाना खाते पीते हैं फिर चलते हैं, तो चलिए हम लोग भी चलते हैं। और इधर काफ़ी सारे दुकान है, तो आप अगर खाना वाना नहीं लाए हैं तो आप लोग खा सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पीछे ये लोग अभी कुछ लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो चलिए अब चलते हैं थोड़ी देर आराम करके, अब हम लोग भी चलते हैं। और हम लोग गुप्ता धाम से लगभग आधा पहुँच चुके हैं, तो और आधा यहाँ से दूरी है। और आप इधर कुछ भी खा सकते हैं जैसे जलेबी सब्जी चावल, तो इधर मिल रहे हैं, तो बहुत से लोग इधर रुक रहे हैं देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं और पीछे बहुत सारे बंदर इधर लगे हैं, अगर कुछ आप खिलाना चाहते हैं तो भाई इसको ऐसे फेंक दीजिए, नहीं तो हाथ में अगर लीजिएगा ना तो सब नोचलेगा, तो आप दूर से ही खिला सकते हैं, तो और बंदर से कोई छेड़खानी नहीं करनी, नहीं तो आप लोगों को वो काट देगा। तो देख सकते हैं ये कुछ लोग चावल और एक फल उल दिए हैं तो वो लोग खा रहे हैं, तो चलिए आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ। तो जैसे हम लोग शुरू बार में चढ़ रहे थे, तो यहाँ पर से देखिए अब इधर से उतरने वाले हैं, और जल्दी हम लोग पहुँच जाएंगे गुप्ता धाम,
तो बस चंद मिनटों में देख सकते हैं कुछ लोग उतर रहे हैं। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, और आपका भाई थक चुका है तो आराम आराम से चल रहा है। अब यहाँ से लास्ट पॉइंट है, और यहाँ से हम लोग उतरने वाले हैं। तो देख सकते हैं कुछ लोग आ रहे हैं, और समझिए 12 किलोमीटर के बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। सो गाइस, हम लोग देख सकते हैं वहाँ से उतर के नीचे आ चुके हैं, और यहाँ पर दोनों साइड दुकान लगी है, तो आप लोग इधर पानी पी सकते हो या कुछ भी खा सकते हो। तो यहाँ पर सब चीज़ मिल रहा है, देख सकते हैं। तो वो रहा पहाड़, आपको बैक कैमरे से। ये भी सावन में बहुत टूट जाता था, और ये देखिए पत्थर का बनाया गया है, फिर भी टूट जाता है यहाँ पर, क्योंकि पूरा पत्थर है, मिट्टी नहीं है। और इस साइड भी एक पुल है जो कि लोग उधर से आ रहे हैं। अभी इस समय इसमें पानी नहीं है, और बस थोड़ा सा पानी है, तो इधर से लोग आ रहे हैं। और सावन में बहुत पूरा भर जाता है, बाढ़ टाइप का आ जाता है, तो ये देख सकते हैं। और यहाँ पर हर एक साल पुल बनाया जाता है और टूट जाता है। तो यहाँ से बस चंद ही दूरी पर है गुप्ता धाम, तो चलिए हम लोग आ ही गए हैं, और बस थोड़ा सा इंतज़ार कर दिए और आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, हम लोग इन जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते सब जेसीबी से काट करके रोड बना दिया गया है, बट ये सिर्फ जो पैदल यात्री आ रहे हैं वही बाबा धाम तक जा रहे हैं, तो वही वाला ये रोड है। और उस साइड में गाड़ी से जो लोग आ रहे हैं ना, उस साइड से आते हैं। हालांकि देख सकते हैं ये पूरा जंगल ही जंगल। ये जो है मेन रोड, इसमें गाड़ी भी आती जाती है, और बाबा धाम इधर है तो इस साइड गाड़ी भी जाती है। और हम लोग कुछ देर पहले आ रहे थे पैदल वाले रास्ते से, जो कि पहाड़ से चढ़ना उतारना होता है। और ये जो अभी हम लोग चल रहे हैं, तो ये गाड़ी वाला रास्ता है, तो आप बाबा धाम तक डायरेक्ट गाड़ी से भी जा सकते हैं। अगर बाइक या फोर व्हीलर कुछ भी लेकर आते हैं तो डायरेक्ट चले जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों, हम काफ़ी मुशक्कत के बाद आ चुके हैं गुप्ता धाम। तो ये देख सकते हैं दोनों किनारे साइड में ये लगा हुआ है बाजार, और यहाँ पर प्रसाद वसाद सब मिलता है। तो आपको दिखाता हूँ, ये रहा, तो ये रहा सामने, अगर आपको नहीं दिखा दे रहे तो आपको अभी दिखाता हूँ बैक कैमरे से। शीतलकुंड की ओर,
तो चलिए और आपको दिखाते हैं उधर का शीतलकुंड। हम वहाँ पर पहली बार जा रहे हैं, तो कुछ लोग जा रहे हैं उसी के पीछे पीछे, उन लोगों के पीछे पीछे हम भी जा रहे थे। चलिए आपका भाई आ चुका है शीतलकुंड में और आपको गजब का नजारा दिखाता हूँ। तो ये रहा भाई, a few moments later बताएंगे कि आप इधर कहाँ ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। देख सकते हैं इस साइड साइड में खाना की व्यवस्था लगाया गया है, तो आप इधर खा भी सकते हैं। कहीं पर भी यहाँ पर एक नया कैंप लॉज खुला हुआ है जिसका नाम है सरस्वती लॉज है, तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 60 रुपये का टिकट हम लोग ले चुके हैं, तो चलिए यहाँ पर से अब चलते हैं और खाना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा खाना है और खाने में क्या क्या मिल रहा है। सब्जी मिल रहा है और दाल मिल रही है और चावल तो बोला। तो देख सकते हैं आज ये है चावल, तो चलिए खा करके और फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस हम लोग अब खाना वाना खा चुके हैं और फिलहाल देख सकते हैं हम लोग यहीं पर रुके हैं और यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लग रहा है और यहाँ पर कुछ लोग रुके हैं, देख सकते हैं। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए, देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत भीड़ है, तो आप लोगों का बैक कैमरे से दिखा दे रहा हूँ। और वीडियो को आप भाई यहीं पर इन करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी सवाल और सुझाव तो इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय।